भाई बात कर रहे थे इस बलैरो टैक्सी N 2023 मॉडल के बारे में बात कर रहे थे। 18,000 EMI है भाई, ठीक है। 56 EMI रहती है इसकी, 4 की 3 EMI हमने दे दी है, ठीक है। बाकी जो इसका प्राइसिंग होगी 120-150 की डिमांड है, बाकी कर लेंगे 120 या ऑन टेबल, ठीक है। बाकी L2800 है भाई, 2021 मॉडल, 120 कैश है उसका लास्ट और 2.5 लाख रुपये बैंक है, स्टेटस पे आपको शो हो रहा हूँ गड्डी। बाकी बलैरो पिकअप है भाई, 2013 मॉडल है, 2016 मॉडल है, 2021 है, 22 है, बैंक केस पे है गाड़ियाँ। अगर किसी को लेनी है भाई तो कॉन्टेक्ट करें, बाकी देख लें मेरा भाई बता रहे हैं हमको गाड़ियों के बारे में। बाकी यार एडिटिंग मैंने करी नहीं है, कोई करता होगा तो मेरे को कॉन्टेक्ट करे, वीडियो की एडिटिंग करके दे दे मेरे को। बाकी बाइक्स हैं भाई मेरे पास, बाइक्स हैं बैंकेस वाली, 160 है, RS 35,000 कैश है, 75,000 लोन है, EMI है 4,600 रुपये, 4,600, ठीक है। एक्सपल्स है भाई, 2022 मॉडल है, 40,000 कैश है उसका, बाइक ही है वो भी, स्पोर्ट्स बाइक आती है एक्सपल्स, 40,000 कैश, 1,00,000 रुपये बैंकेस, ठीक है भाई। KTM ड्यूक है भाई, 200 है, 390 है मेरे पास, दो बाइकें हैं, 18, 19, 17 और ये बाइक के हैं मेरे पास KTM में, ठीक है। KTM ड्यूक, KTM RC और जो भी चाहिए होगा भाई है मेरे पास। RS पल्सर है भाई, 2016 मॉडल, और RS उसका रेट प्राइसिंग रखी है 80,000 रुपये, और भाई 15,000 का तो हमने उसमें एक्स्ट्रा काम ही करवाया, मतलब इतनी गुड लुकिंग बाइक है। बाकी स्प्लेंडर है भाई, स्प्लेंडर की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है इधर, तो आजकल पता नहीं अब स्प्लेंडर की डिमांड घटी है कि मेरे पास काम घटा है। एक्चुअली स्प्लेंडर है मेरे पास, कम से कम 10 स्प्लेंडर है मेरे पास अवेलेबल में, और HP के नंबर है सारे घुमारवी में है मेरे पास, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई, इको टैक्सी है जो आपको 16 मॉडल टैक्सी शो कर रहा हूँ ना, मॉडल 2016 है भाई इको टैक्सी, ठीक है। सेकंड ओनर हो सकती है गड्डी, फर्स्ट भी हो सकती है, मैंने देखा नहीं। बाकी गाड़ी चली है सिर्फ 80,000 और उसकी कैश में डिमांड है भाई 3.5 की, तो भाई 3.5 ही है रखा एक हिसाब से, बाकी देख लेंगे प्राइसिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो देख लेंगे भाई, ठीक है। अगली बात आ गई भाई बलैरो टैक्सी, और इस गाड़ी के लिए मेरे को बहुत मैसेज आ गए क्योंकि ये बलैरो टैक्सी है, बलैरो टैक्सी है भाई, ठीक है। 6+1 है इसकी भाई, 2,00,000 रुपये कैश डिमांड है हमारी, और 36 EMI रहती है इसकी, 20,000 की EMI है भाई, बाकी प्राइस भाई नेगोशिएबल है, ठीक है। बाकी आगे देख लेते हैं भाई हमने क्या क्या है इसमें लिखा, भाई गाड़ियां बहुत होती है मेरे पास, इन सब का अगर मैं डिटेल लाने ना, अब मैंने मतलब आज के स्टेटस में मैंने 400 गाड़ी डाली है, मतलब 400 गाड़ी, तो देख लो भाई ऐसा है कि सबकी डिटेल मैं दे नहीं सकता, बाकी यूट्यूब पे जो है जितना हो सकता है भाई मैं डाल रहे हो। बाकी आप गाड़ी लेने की इच्छुक हो भाई डायरेक्ट कॉल करा, ठीक है, कॉल नहीं उठाया मैसेज कर दिया भाई। एक्चुअली फ़ोन दो मैक्सिमम भाई, भी अब एक फ़ोन है तो मैक्सिमम बिजी जाएगा, अब ऐसा कोई तरीका है नहीं कि मैं अपने फ़ोन को फॉरवर्ड करूं कि और जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके पास फ़ोन चले जाए, वो हैंडल कर ले कस्टमर को, तो वो तो नहीं होने वाला, अभी तक तो होना नहीं, साइट वगैरह बनाएंगे। और भाई जो भी अपने साथ लड़के जुड़े हैं यार, भाई ऐड वगैरह लगानी है हमने मार्केट प्लेस पे, ओलेक्स पे, तो उसको ऐड लगा दिया करो, जब भी गाड़ी की डील होगी भाई तभी आपकी जो भी मतलब मंथली सैलरी क्या देता, हम तो एक दिन में सैलरी दे देते हैं, बाकी गाड़ी पे पर डील पे भाई कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपको बढ़िया। अब एक बार डील करके देखो भाई, एक बार ऐड लगाओ मार्केट प्लेस में, मेरे से गाड़ियों की फ़ोटो ले लेना अपने, जो भी लड़का लड़की हो काम करने वाला इच्छुक हो तो बता देना मेरे को, किसने मेरे साथ काम करना तो करें, अदरवाइज भाई आपकी मर्जी है। बाकी स्कॉर्पियो भाई 2013 मॉडल, जो आपका नेक्स्ट स्टेटस में शो कर रही होगी, बाकी इसकी प्राइसिंग मेरे हिसाब से 570 रखी है। टाटा हैरियर है मेरे पास, मॉडल तो मेरे हिसाब से 21-22 का ही होना, 20 लाख की पता नहीं 20 लाख है कि 20 मॉडल है, अब मेरे को एक्चुअली उसका ध्यान नहीं रहा है, ठीक है। और भाई प्रॉपर्टियाँ मेरे पास घुमारवी में, लोग बोलते हैं भाई घुमारवी में प्रॉपर्टियाँ दिला दो, भाई है 15-20 प्लॉट है मेरी नज़र में, बट भाई ये प्रॉपर्टी वाला चक्कर ऐसा है कि ऐसे लोग ऐसा सोचते हैं भी फ्री में ही हैं, जब मर्जी की प्लॉट देखे भाई ये पसंद नहीं आया ये दिखाओ वो दिखाओ, तो भाई पर प्लॉट का दिखाने का ही 2,000 कमीशन है, ठीक है भाई। तो
मतलब 2000 में आपको 3 या 4 प्लॉट हम दिखाई देंगे। बाकी भाई अपना पर डे के जो भी होगा भाई 2000 तो लगेगा लगेगा। ठीक है भाई, तो ऐसा प्रॉपर्टी की बात करनी हुई तो प्रॉपर्टी वाले तरीके से करना, बाकी अदरवाइज हम ज़्यादा बताते भी नहीं। हमारे पास प्लॉट है, हमारे वो बिके ना बिके हमें कोई उसका है ही नहीं चक्कर, क्योंकि गाड़ियों का काम बहुत ज़्यादा है हमारे पास, गाड़ियों के काम में बढ़िया रहता है। बाकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के चक्कर में तो बहुत देखना पड़ता है किसका क्या है, किसका क्या है, सिंगल नंबर है, मुस्तरका है, कि वो क्या बोलते हैं कोई, वो बोलते हैं यारो मुस्तरका है, कैसा है, बड़ा उसे देखना पड़ता है प्रॉपर्टी की डील करती बार। वो हब हम देखते हैं, फिर ऊपर से देखते हैं प्रॉपर्टी में बंदे ऐसे आगे से आगे प्लॉट दे देख के हमारे टाइम वेस्ट करते हैं, फिर वो काम हम रखे हैं भाई। आगे हैं हमारे बंदे हैं और भी ना डीलर हमारे पास, तो उन वो हैं वो आपको प्रॉपर्टियाँ दिखा देंगे, उनके भी वही होगा सेम, 2-3 प्रॉपर्टियाँ आपको दिखा दिया करेंगे भाई। बाकी आपको पता ही है दिहाड़ी तो लगेगी भाई 2000 रुपये। ठीक है, बाकी 25-30 मकान है मेरे पास इधर ही घुमार में होने, 25-30 मकान, 25-30 नहीं हो गए तो 10-12 तो होने होने, 10-15 के मकान तो होने होने मेरी नज़र में जो सेल के लिए है। ठीक है, तो बाकी अदर में भी है, सोलन में है, कांगड़ा में है, पालमपुर में है, प्रॉपर्टियां हैं, होम बने हैं, प्लॉट है, फ्लैट है, वो बेचने को है भाई। ठीक है, जिसकी जो यहाँ पे डिमांड होगी मेरे को बता दें। बाकी HP के साथ साथ मेरे को PV नंबर, HR नंबर के फ़ोन भी आते हैं गाड़ियों के लिए। कल अब बात हुई है एक पंजाब की पार्टी के साथ, वो गाड़ी को उसको मैं बैंकेस पे गाड़ी दे रहा हूँ, बाकी देखेंगे पक्के काम करेंगे हम, ऐसा कच्चा काम नहीं करते भाई कि गाड़ी दे दी ऐसा फलाना निमका, तो वो चेक वगैरह लगेंगे उनके, आधार कार्ड वगैरह सब पक्के काम होंगे भाई। गाड़ी के साथ साथ मैं तो बोलता मैं तो उसके घर तक जाऊंगा, घर भी देख के आऊँगा कल को कैसा है भी कि ऐसा ही है, देखते हैं उसका। बाकी बहुत सी गाड़ियाँ हैं अपने पास और भी, स्कॉर्पियो टैक्सी है ये 2019 मॉडल, कुछ कैश है और कुछ बैंक केस है उसका। ठीक है, बाकी और भी भाई बहुत सी गाड़ियाँ हैं अपने पास, बाकी ऐसा है भाई कि आपको मैंने आज बोल दिया, आज तो मेरे को बढ़िया सबक मिला कि मेरा जो ए आज का आज के काम को कल 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 के चक्कर में करने के चक्कर में भाई से कम 1000 रुपये का नुकसान हो गया। ठीक है, नुकसान उसको तो कोई चक्कर नहीं है, पैसे पैसे के नुकसान को नहीं हम देखते हैं, बट है भाई काम नहीं बना यार इतनी तो जो मैंने एक दिन का काम था मेरा, सिर्फ एक दिन का, और वो उसको मैंने मतलब 15 दिन से टाल रहा था, और वो 15वां दिन करना वही तो नचली बात है भाई, कुछ ना कुछ कमी तो रहनी थी, तो रह गई कमी उसमें तो भाई का फ्लॉप हो गया काम। तो भाई यही बात है भाई कि यार कोई भी काम सोच रहे हो, कोई भी काम करना है ना भाई, तो उसे सोचो और करो, मतलब सारा सोचने के चक्कर में भाई वो काम होता ही नहीं, कभी नहीं होता, और सोच सोच के बंदा सोच सोच के बूढ़ा हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा, मर भी जाएगा भाई, वो काम नहीं होता। इससे बढ़िया भाई अपनी ज़िंदगी जियो अपने तरीके से, ठीक है, और बढ़िया से रहो, बढ़िया जियो, और जो भी है। और मेरे हिसाब से भाई मैंने कॉलेज भी किया, पढ़ाई भी करी, मैंने तो +2 के बाद करना नहीं था कॉलेज वगैरह, तो एक तरफ से घर वाले भाई 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 वगैरह मेरे बोल रहे थे ITI कर ले, कोई बात नहीं कॉलेज कर ले, +2 करी थी, तो क्या करा अभी हमने कुछ भी नहीं करा था। ठीक है, लास्ट में भाई होता मेरे पास ऐसा ही है, सिर्फ लास्ट चांस होता है मेरे पास, लास्ट चांस, और लास्ट चांस है पूरे कॉलेज की एडमिशनें ख़त्म हो गई थी लास्ट में, गए थे हम, मैं और मेरा फ्रेंड, तो लास्ट में मतलब सारी एडमिशनें ख़त्म हो गई थी लास्ट में, हम गए वो भी ऐसे गए तो कह यार भाई यार कर लेते हैं अब ना, ITI की, ITI में भी वैसे ही था लफड़ा, तो फिर माता जी ने दिए थे एडमिशन की फीस उस टाइम, बेले थे ना फिर काम ही नहीं था, ये तो अभी अब यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, वहाँ उस टाइम नहीं थे, बात होनी कम से कम 13-14, अब देखने पड़े ये कौन सा पढ़ा है डिग्री पे, वो कौन सी डिग्री सट्टी है मैंने घर पे, वो आज भी देख रहा था।
परसेंटेज भी ठीक ही है, 75% तो होने हो, क्या करना। वो भी भाई आप जैसे नहीं भाई कि हमने किताबें भी ली हो, भगवान कसम भाई मैंने अपने फ्रेंड की किताबों से पढ़ा है। और पेपर वाले दिन भी उसके वो ऐसा था कि उसने मेरे पास दे रखने किताबें, तो भाई हम मैं भी पास हुआ, वो भी पास करवाया, साथ में थे रोल नंबर हमारे। तो वो तो भाई अपने बलबूते पे हुआ, अपने बलबूते पे हुआ, मैं भी अपने बलबूते पे हुआ पास। बट भाई हमने वो पढ़ाई की है कि हमें बिना किताबों के, हमें जो पढ़ाया था लेक्चर पढ़ाता था हमारे हिस्ट्री के यार, वो हिस्ट्री के अब जनेऊ सर, हम जनेऊ सर पढ़ाते थे हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री पहले हमारी हिस्ट्री और केमिस्ट्री चली रहती साथ में, तो एक ही बार पढ़ा रहा उन्होंने और सीधा हमने वो सीधा ही साल भर याद रख लेना था लिखना भाई ने हिस्ट्री में धगा धक धगा धक। तो 75% भी कम नहीं होते भाई बिना किताबों के, बहुत है वो भी। बाकी बात भाई 10 मिनट की वीडियो ये होगी और 20 मिनट की वीडियो हो ही आई। बाकी भाई बात क्या करें, ऐसा ही है ज़िंदगी। ये पढ़ाई लिखाई से भाई कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, मैं तो बोलता हूँ भाई। चाहे आप चाय की दुकान ही खोलो, वो भी बढ़िया है, वो मेरी दुकान है, ये मेरी चाय की दुकान। पूरा खाने पीने की तगड़ी चलाएगी यार इसको, दुकान को एकदम बढ़िया से करेंगे। चाय चूई की दुकान नहीं मैं करने वाला, अपने इच्छों के जो देखते हैं क्या काम करना क्या होगा, कराना नहीं है किराए पर दे देंगे, करते हैं अपने हिसाब से जो भी होगा वो कर लेंगे। अभी तक तो फिलहाल काम कर ही रहे हैं। बाकी रात के भाई क्या बज रहे हैं, एक बज रहा है रात का, ठीक है 2-3 बजे तक मेरी ड्यूटी है। मैं क्या भाई बैठे हैं बाहर, तो ऐसे ऐसी बात है भाई। तो मेन तो भाई आज का यही है मेरा जो आपको संदेश है भाई, कि आज के काम को आज ही करें तो बेटर है भाई, करना आपको पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा। तो ऐसा है कि आज के काम को आज ही करें, तो भाई वो भी होता है मेरे को भूल जाता है काम। तो भाई मैंने ये भी रखा है भाई, लिख के कर लिया करो, कोई भी काम करना है तो उसको लिख के कर लिया करो। मेरे को तो दिन भर में बहुत से फ़ोन आते हैं एक्चुअली बात, और मैं इतना सर पे दर्द भी नहीं लेता अभी। हाँ भाई बात बने भाई ठीक है, नहीं बने तब भी ठीक है, लोगों को काम है भाई, ऐसे ही घुचाई करते हैं ज़्यादातर भाई, ऐसे ही बातें करते रहना, ऐसा वैसा फलाना ढमका, गाड़ी लेनी देनी ऐसा करना इतना कैश करना, भाई सारी बातें पूरी हो जाती हैं उन बंदों की। और गाड़ी अब देखो भाई, अब खुद ही आप एस्टीमेट लगाओ, कोई भी गाड़ी के लिए बात कर रहा है, टेम्पू ट्रैवलर के लिए बात कर रहा है, 15 लाख की गाड़ी पे 1 लाख रुपये बोल रहा है भाई, मैं 1 लाख रुपये दे दूंगा बाकी का लोन करूंगा। भाई 14 लाख का लोन भाई, ऊपर से भगवान भी नीचे आ जाएगा भाई, तब भी नहीं बनेगा। भगवान ने बोलेगा भाई 14 लाख का लोन कर दे, वो भी नहीं, तब भी भगवान मना कर देगा भाई, भाई नहीं ये नहीं हो सकता भाई तो भाई यार पूरा पूरी मतलब पूरी रामायण पढ़ के बाद में बोले भाई ये क्या है ये, तो भाई ये ठीक नहीं है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपका ना बज पहले मेरे को बजट बताया करो, आपका बजट कितना है, कितना कैसा है, उस हिसाब से मैं इससे बात करा करो। पहले बंदे गाड़ी पूछ रहे थे, आर्टिका के बारे में पूछे भाई, 2 लाख रुपए कैश है, बाकी का भाई वो कर दो। चलो आर्टिका तो आपको पता है नई भी मिल जाएगी 2 लाख रुपए में, आप सेकेंड हैंड में से मांग रहे हो, पर फिर भी भाई मेरे पास नहीं मिलेगी आर्टिका ऐसी कोई 2 लाख रुपए वाली। इस टाइम मेरे पास गाड़ी है वो है 9.5 लाख की, तो कम से कम या तो 6 लाख का कैश दो, या तो आप 3.5-4 लाख रुपए कैश दो, बाकी वो जो भी होगा रिफाइनेंस का चक्कर वो कर लेंगे भाई। तो भाई ऐसा ऐसा है, बाकी खुद कितने कभी कभी आ जाती है कोई कोई गाड़ी ऐसी, कोई बैंक केस पे फंसी होती है, अब कहीं से नहीं चलाई जाती, कहीं ले लेते गाड़ी। और उससे मेन बात भाई हमारे पास भी 2 गाड़ी हैं, अल्टो गाड़ियाँ, और मैंने वो हार्टिका भी डाला है अपना भाई टूर ट्रैवल के लिए, तो भाई किसी ने मेरे को कॉल भी नहीं करा। तो भाई ऐसा है, अगर जुड़े हो साथ में भाई तो काम धंधा भी दिया करो थोड़ा बहुत। वो आर्टिका अभी मेरी उधर है नैन देवी में चल रही है, तो भाई तगड़ा सा टूर बनाओ कोई, और मेरे को टूर दो। 4-5 है गाड़ी है, मतलब उसी जो फर्म के हिसाब से चलाई है हमने, 5-7 गाड़ियाँ हैं आर्टिका ही टैक्सी में। बाकी उसको भाई टूर वगैरह दिया करो ठीक है, अब सीजन चला है, बाकी वो काम चलने वाला है थोड़े दिन में। और टेम्पू है जो टेम्पू ट्रैवलर है भाई टैक्सी में,
वो तो बहुत कम, आपको पता है बहुत कम मिलते हैं। अब मेरे पास 18 मॉडल है, 15 लाख रुपए कैश कैश डिमांड ही है भाई। अब फाइनेंस की बात करके ऐसे टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है भाई कि आपको मैंने बोल दिया भाई कि ये कैश पे जाएगा तो कैश पे जाएगा, ठीक है भाई। तो मैक्सिमम अगर ने फाइनेंस भी करानी है कम से कम हाफ देना पड़ता है, कम से कम 7 लाख रुपये 8 लाख रुपये दो तो फाइनेंस का फैसिलिटी होगी। बाकी और भी है, और क्या क्या बताऊँ मैं आपको थोड़ा। अब एक तो आप ना मेरे को कमेंट करते हो उस पर, ना कुछ और करते, तो मेरे को भी नहीं लगता पता कौन सी गड्डी के बारे में उन्हें पूछना। अपने वीडियो, कोई कोई वीडियो देखता है, कोई कोई नहीं देखता है। बाकी अभी आप गाड़ियाँ अपने खरीदने तो वीडियो भी आपको देखनी पड़नी है, हमें क्या को देखने है, हमारे पास तो है ना, हम तो करवा रहे हैं डील, हमारा काम चला है बढ़िया, हमें कोई चक्कर नहीं इसका। बाकी ऐसा है भाई, गाड़ी लेनी हो भाई तो बात किया करो भाई, ऐसे टाइम वेस्ट करके फ़ायदा नहीं होता ना भाई कोई। अब खुद जानो मैंने इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन लिखी है भाई, तो इतने में जब इतने में मैंने आपके साथ बात करनी, हो सकता है मेरे पास कोई ऐसी पार्टी फ़ोन करे मेरे को और मैं आपके साथ बिजी हूँ, तो फिर मैं बैक कॉल तो कर लेता हूँ भाई, फिर फ़ोन भी कई बार बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ऊपर से मैंने 15-20 ऐडें लगाई हैं, फ़ोन भी बहुत आते हैं, और ऊपर से आजकल वो मार्केट प्लेस उन्होंने देख लिया होना, हाइट बहुत ज़्यादा लगाई इसने, तो उससे ज़रा से काम फ़ोन आ भी रहे हैं ना भी आ रहे हैं बराबर ही है, और जितने मैसेज आ रहे हैं मेरे को उस हिसाब से फ़ोन नहीं है, और काम भी उस हिसाब से है नहीं यार भाई। जो कस्टमर के बारे में तो ऐसे कस्टमर फिर से फंस जाते हैं, वो गाड़ी का लेने का होता नहीं उनका, सिर्फ पूछने का होता है यार। पूछना होगा तो मैं मेरी वीडियो देख लिया करो, उसमें मैंने डाल दिया करूँगा, कमेंट वगैरह कर दिया करो, जो भी गाड़ी आपको चाहिए उसके बारे में कमेंट कर दिया करो भाई। और सुनो मेरी बात कि गाड़ियाँ मेरे पास HP से लेके HR, PV, हरियाणा, UP, मतलब ऑल स्टेट की गाड़ियाँ होती है मेरे पास, तो आप खुद ही जान लो भी मेरा नंबर जितना बिजी आता है, 9500 है मेरे पास कॉन्टैक्ट, मतलब 9500 कॉन्टैक्ट हैं, तो 9500 कॉन्टैक्ट है भाई, 400-500 बंदा तो मेरा स्टेटस ही देखता है रोज़ का। अभी मैंने 400 गाड़ी लगाई है, अब 400 गाड़ी का फर्स्ट गाड़ी का देखता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट डालूँगा उस पर एपी पे भाई, मेरा नाम पूरन राजपूत है, ठीक है। और यूट्यूब चैनल आपको बार बार लिंक मैं शेयर करता रहता हूँ, उसको सब्सक्राइब कर लिया करो, 4444 पे गाड़ी खड़ी हो गई है अभी, मेरे हिसाब से 450 450 सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे, और भाई जिस हिसाब से 450 सब्सक्राइबर हुए हैं ना, उस हिसाब से तो मेरे को सब्र भी करना चाहिए, क्योंकि मैंने वो कर लिए थे सब्सक्राइबर, मेरे हिसाब से मैंने तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 दिन में कर दिए सब्सक्राइबर हो। बाकी आगे आप ही का जोर है भाई, आप ऐसा करो भाई, अब कोई विला बंदा है ना भाई, कोई यार दोस्त छोटा भाई है तो मेरे सब्सक्राइबर बता दिया करो। आपको पता है चैनल सब्सक्राइब करना, किसी से फ़ोन लिया चैनल सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है, और उसका मेरे को स्क्रीनशॉट उसका फ़ोटो खींच के मेरे को दे दिया, और जैसे ही आपने और मेरे यूट्यूब को खोल के ना उस पर दिखा दिया मेरे को, भाई भाई ये आपके सब्सक्राइबर हो, ये मैंने स्क्रीन शॉट लिया और ये सब्सक्राइबर बढ़ा, तो मेरे को जैसे पर बंदा एक बंदा या मेरे को 1000 सब्सक्राइबर करा के दे रहा है ना, तो मैं उसको 1000 रुपये दे दूंगा वन सब्सक्राइब का 1 रुपये, ठीक है, 1000 सब्सक्राइब का 1000 रुपये, 2 का 2000, 3 का 3000, तो भाई पैसे ले लेना भाई। अभी आपको लग रहा होना भाई छोटा है अमाउंट, बहुत बड़ा ही है अमाउंट, सब्सक्राइब ही कराना होता है चैनल, यार दोस्त बहुत होते हैं, ये स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के, कॉलेज में मैंने जाना है तो मैंने वैसे ही सब्सक्राइब करवा लेना अपना चैनल, बट अब मेरे को थोड़ा टाइम नहीं लग रहा है ना, एक्चुअली थोड़ा टाइम है नहीं लगता मेरे को जाने आने में, और काम धंधे रहते हैं मेरे को, एक तो फ़ोन ही मेरा छूटता है भाई, पूरा दिन फ़ोन मेरे लगे रहते हैं डन डन डन, और रात को सुग रहा है भाई आजकल, थोड़ा नाइट शिफ्ट में लगी है, अब तो ऐसा भी थोड़ा कर रहे हैं इसको। बाकी तो भाई मैं मतलब मेरी शिफ्ट के हिसाब से तो भाई 2 बजे के बाद तो मेरा मतलब ही नहीं फ़ोन उठाने का, मैं साइलेंट मोड में उससे वाइब्रेट पे भी भाई छोड़ दूँ ना तो अभी वो हूँ करके फ़ोन टेबल से गिर जाता है नीचे, मैं बंद ही कर देता इसको। और मेरे को दिन के कम से कम जिस दिन मैं फ़ोन ना उठाऊँ तो मेरे को कम से कम 100-100 फ़ोन आ जाते हैं बंदों के, तो भाई सॉरी भाई कष्ट के लिए,
जो आपको इतना वेट करना पड़ रहा है फ़ोन का भी, भाई फ़ोन ही उठा रहा है। तो भाई जब फ़ोन उठाता हूँ, मेरा टाइम टेबल देख लो आप, मेरा टाइम टेबल जो है, मैं मतलब फ्री होता हूँ अपने संडे से, संडे को फ्री होता हूँ मैं, और सुबह मतलब अगर मैंने नाइट शिफ्ट कराया, मैं 10 बजे से पहले नहीं उठने वाला, 10 बजे तक मैं फ़ोन नहीं उठाता। वैसे कई बार हो जाता हूँ, मैंने सुबह से अगर मैंने नहीं लगा, मेरे को नींद की झक नहीं आई, तो फिर मैं फिर चले जाता रहते हैं काम, फिर उठे रहते हम। तो हम सुबह भी लोगों को फ़ोन करते, या तो सुबह अगर साइलेंट मोड पे फेंक दिया तो फिर 11 बजे हुई बात। ठीक है भाई, तो ये ऐसी ऐसी बात है भाई, कर ही जा रहे हैं काम को, खींचा है तरीके से बढ़िया। और भाई ऐसा है भी भाई, मैं अपने लिए नहीं कर रहा इस काम को भाई, अपने लिए, मेरे लिए पैसा ज़रूरी है भाई, पैसा भी ज़रूरी है, काम तो चलो वैसे ही है, बट आपको भी भाई, जो मैं अपने साथ जुड़े हैं ना लड़के, तो उनको भी एक नया एक काम ही है, काम तो काम होता है भाई, जैसे ही मर जाओ। बाकी आपको मेन काम मैं आपको और देता हूँ, या अपने यार दोस्त छोटे भाई बहन हैं और बड़े हैं, उनको भाई ऐसा काम भी है भी, जिस किसी को भी अपनी गाड़ी सेल करनी है, ठीक है, उनसे कांटेक्ट कर लिया करो, मेरे को फ़ोटो सेंड करने हैं अपने, ठीक है, गाड़ी की फ़ोटो सेंड करने, अंदर बाहर के फ़ोटो सेंड करने, अप्रोन वगैरह के, बाउंड खोल के, टायर टप्पा के फ़ोटो, मीटर के फ़ोटो, सब गाड़ियों के फ़ोटो सेंड करने हैं आपने। और जिस जिसने मेरे मतलब इसमें ऐड होना है ना मेरे जो काम में, तो वो मेरे को वो मैसेज करे या कॉल करे भाई, क्योंकि उस हिसाब से मैं उनको अलग ही ग्रुप बनाऊंगा, उसमें उनकी फ़ोटो आएंगे गाड़ियों की, और उस हिसाब से कोई मेन को मैं लीडर बना दूंगा उसमें, मेन एडमिन, वो उस ग्रुप को संभालेगा। मतलब ग्रुप था मेरा भाई, पर उसमें बहुत ही पचड़ा पड़ जाता था, जो अपने आप ही गाड़ियाँ ले रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, मैंने बंद ही कर दिया उसका। मतलब अभी तक भी बंदे भाई इतने एक्साइटेड होते हैं ना भाई, ग्रुप को बंद करे हुए मेरे को कम से कम 3-4 महीने हुआ है ग्रुप को बंद करे, मतलब मैं इसमें मेरे मैसेज आते आ सकते हैं, औरों के नहीं आते, तब भी बंदे लेफ्ट किसी ने नहीं करा। एक तो बंदों ने करा था, वो तो भाई डीलर बंदे हैं, इधर से लेफ्ट करा तो दूसरे ग्रुप में हमने उन्हें इन्वाइट कर लिया। बाकी तो ऐसा है भाई कि धीरे धीरे धक्के खा के आ रही है थोड़ी थोड़ी अकल, और मैं चाहता हूँ भाई, हमें तो धक्के लग रहे हैं तो आपको धक्के ना लगे, और अगर हमारे पीछे पीछे चलोगे भाई तो नेचुरली बात है कि धक्के खानों से रुक जाओगे, मतलब बच जाओगे, धक्के नहीं लगेंगे, बच जाओगे धक्के खाने से, बढ़िया है। और पढ़ाई लिखाई में भाई उतना खास कुछ लखा नहीं है, जो बंदा जितनी ज़्यादा पढ़ाई करता है ना भाई, वो उतना ही ज़्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, उतना ज़्यादा भाई वो कोई काम कर नहीं सकता। ठीक है, अपने को तो भाई जो मर्जी काम दो हम कर ही देते हैं, कई बार नहीं भी करते, कर भी देते, नहीं भी करते, बट वो भी टाइम के हिसाब से होता है, जब पड़ी हो सर पे तो कोई भी काम करवा लो, और जब नहीं पड़ी हो तो भाई अड़ गए तो अड़ गए, टाइम टाइम की बात है ना सारे, आपका टाइम अच्छा है तो सब अच्छा है, अगर टाइम पूरा हो गया तो भाई भगवान भी नहीं पूछता यार, बाकी भगवान के साथ भी बढ़िया लिंक है अपना, भगवान जी भी हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, तो वाहेगुरु की मेहर से बढ़िया चल रहा है सिस्टम अपना, बाकी देखते हैं। और ऑलमोस्ट मेरे पास एक अल्टो आई है 2006 मॉडल, गाड़ी आपको 80,000 में दे दूंगा, बाकी ठीक है भाई, मिलते हैं थोड़े दिन के बाद।